हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम हर्षवर्धन सिंह, यू आर हियर फॉर लेटेस्ट टेक न्यूज एंड वेबसाइट रिव्यूज एंड अर्निंग टिप्स। सो वी आर ऑन स्माइल इंडिया ब्रिज pbtlimited.info। यू कैन सी इन द स्माइल ब्रिज pbtlimited.info इन द एडमिन। सो यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या आपको यहाँ से जो ये बैलेंस दिख रहा है, आपको ये माई बैलेंस में जो आपको शो हो रहा है 1 to 250, या फिर किसी के 2500 होंगे, किसी के 50,000 होंगे, जितने भी जिन्होंने जितनी मेहनत की हो उतने अकॉर्डिंग जिसके जितना आएंगे। तो यहाँ से बता दूं कि आपको इसमें तीन तरह की अर्निंग मिलती है, वो है चारों तरीके का। इनकी एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि एड व्यू से आपको पैसे मिलते हैं, दूसरा है टास्क कंप्लीट करके, और तीसरा है रेफरल प्रोग्राम से, और चौथा है एफिलिएट मार्केटिंग से। तो इन चार तरीके से आपको अर्निंग होती है, और जो डैशबोर्ड में आपको दिखाई देता है वो डायरेक्ट इनकम, एड व्यू इनकम और लेवल एड इनकम में आपको दिखता है, जो कि रेफरल से है एक, और इसमें आप वॉच करते हैं, और एक है डायरेक्ट इनकम का। तो इस तरह से कंपनी का ये पूरा प्लान है। अगर आप इनके वॉच एड्स देखते हैं, जो ये फीचर आपको दिखता है इसमें, अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये डेली वीडियो एड आता है। यहाँ पर मैंने अपना वाला देख चुका हूँ, मैं इसीलिए मेरे को ये होम पर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि मैंने अपना पहला वीडियो जो भी था मेरा मैंने देख लिया। और अब बात आती है कि वॉच वीडियो जो एड आता है वो एक दिन में एक ही बार आएगा, और यहाँ पर वो शो होगा कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा। यहाँ पर आप रेफरल टीम आपकी होती है, और जो भी आपके स्टेटस होगा जिसको आप रेफर करते हैं वो यहाँ पर आपको दिखता है। माई इनकम में आप चार तरीके से इनकम है आपका, डायरेक्ट, एड व्यू, टीम इनव्यू और सारे। तो इतनी सारी तरीके से जो अर्निंग है, तो क्या ये रियल है या फेक? आप जो अर्निंग करने आए हैं कि अब भाग जाएगी कंपनी ये, अब जल्दी से विड्रॉल कर लो, ऐसे बहुत सारे आपको रिव्यूज देखने को मिले होंगे, बट दिस इज द जेन्युइन रिव्यू। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंपनी, मैं इस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं एक क्लियर कट एक रिव्यू देता हूँ इसका, कि ये रियल है या फेक। तो मैं आपको पहले बता दूँ, इसकी तरह एक और वेबसाइट भी एक है, और सेम पैनल है, सेम तरह की डिजाइन वेबसाइट की, और सेम तरह के जो पैनल आप देख रहे हैं पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको सेम चीजें देखने को मिलती है। ये पूरा पैनल आपको जो दिख रहा है ना, ये सारा का सारा, ये सिंपल आपको डुप्लीकेट आपको हर जगह मिल जाएगा। और एक और चीज मैं बता दूं कि इन्होंने अपना ये टेलीग्राम चैनल ओपन कर रखा है, और जिसमें ये व्यूअर्स को ज्वाइन करते हैं, और सिंपली ये कहते हैं कि आपका जो विड्रॉल होगा वो 4 PM तक होगा 16 अगस्त को। और ये चीज ये कम से कम जब से इन्होंने चैनल ओपन किया है 23 जुलाई से, तब से ही ये व्यूअर्स को यही बता रहे हैं। और यहाँ पर इनका प्लेटफॉर्म का जो वो है, ये आपको देखने को मिलता है PDF। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिंक, अब यू कैन वॉच इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक। सो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये फेक है, और यहाँ से आपको किसी भी तरह की कोई अर्निंग होने वाली नहीं है। इन कंपनीज का कोई भरोसा नहीं होता कब चली जाए, और जब आप यहाँ पर एच वॉच व्यू एड करते हैं तो यहाँ आपको किसी और वेबसाइट का या फिर किसी और तरीके का कोई एड नहीं दिखता, बल्कि इनके खुद का ही यूट्यूब चैनल का वीडियो होता है जिसमें ये प्लान को समझा रहे होते हैं। वो वीडियो अब लेटेस्टली अपडेट हुई है, और इस वीडियो की एक्सपोज मैं ये इस तरीके से कर रहा हूँ क्योंकि ये अपने वीडियोस को, उसमें कोई एड नहीं है और सिर्फ अपनी वीडियोस को ये वॉच करा रहे हैं। तो इस तरह से जब आप डैशबोर्ड पे जाते हैं और विड्रॉल वगैरह करते हैं तो आपको कोई विड्रॉल वगैरह होता नहीं है, और कंपनी कब बंद हो जाए, वेबसाइट कब बंद हो जाए, मैं खुद आपको अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ इस वेबसाइट के साथ, स्माइल ब्रिज इंडिया के साथ, कि इसने सिंपली बस, मैंने जब इस पे जो अपना लॉग इन करना चाहा डैशबोर्ड पे, तो सिंपली इसने एक ही चीज दिखाई, वो ये है कि इसमें बार बार 250 कोड एरर बाकी आ रहा था बार बार जब भी मैं लॉग इन कर रहा था, और कई सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। तो मेरी तरफ से ये वेबसाइट फेक है, इन सब से चीजों से बचें, अपना विड्रॉल अकाउंट वगैरह को रख उसमें कुछ भी ऐड करने से बचें। और यहाँ पर आपको अकाउंट का ऐड का भी जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें जाकर आप अकाउंट एंड डिटेल वगैरह ऐड करते हैं, तो ये सब करने से बचें। अपने किसी भी IFSC कोड, अकाउंट नेम, अकाउंट होल्डर नेम, ये सब ऐसे ही किसी को नहीं दिया जाता जब तक वो कंपनी जेन्युइन ना हो। जेन्युइनिटी मैं इसकी और एक्सपोज करता हूँ कि ये वेबसाइट रिसेंटली रजिस्टर्ड है और अभी जस्ट बनी हुई है, इस पर भरोसा करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि इस वेबसाइट से दूर रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें, और अपने सभी डाटा को, चाहे वो बैंक का डिटेल हो या किसी भी चीज का। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू लाइक दिस वीडियो क्लिक द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।